नमस्कार, मैं बनवारीलाल कुशवाहा और आप देख रहे हैं C20 न्यूज। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। फिरोजाबाद जिले के शुकोहाबाद में आज़ादी के अमृत महोत्सव व लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में सोमवार को सुबह जन जागरूकता हेतु रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। रन फॉर यूनिटी एकता की शुरुआत भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने अमर शहीद स्मारक शादीलाल यादव की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुई। रन फॉर यूनिटी एकता दौड़ तहसील तराई से शुरू हुई, जो स्टेशन रोड स्थित सुभाष पार्क पर पहुंची, जहां सभी कार्यकर्ताओं ने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर सिरसागंज के पूर्व विधायक हरिओम यादव ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की समर्पण, निष्ठा, त्याग, संघर्ष को याद करते हुए कहा कि एकता हमारी आत्मा एवं भारतीय संस्कृति का गुण है। इस बात को हमेशा भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब जनता एक हो जाती है तो हमारे सामने क्रूर से क्रूर शत्रु भी नहीं टिक पाएगा। वहीं पूर्व विधायक ओम प्रकाश वर्मा ने लोगों को नसीहत देते हुए कहा कि हमें जात पात ऊंच नीच के भेदभाव को बुलाकर सबको एक हो जाना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में नगर अध्यक्ष विशाल गुप्ता ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में सतीश यादव, सुशील यादव, लखपत सिंह बघेल, गगन कठेरिया, बिद्रेश गुप्ता, अतुल तिवारी, जयप्रकाश राठौर, अभिषेक राठौर, मयंक तिवारी, शुभम दीक्षित, डॉक्टर पीएस राणा, नीता धनकर, अरविंद राजपूत, अरुण गुप्ता, बनवारीलाल कुशवाहा सहित सैकड़ों की संख्या में भाजपाकर्ताओं के अलावा नगर के गणमान्य नागरिक मौजूद थे। आज हमारे देश के महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है, जिन्होंने देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई थी। और आज देश हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की नीतियों पर चल रहा होता तो देश बहुत आगे चला जाता। ये दो पुरुष कहे जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्हीं की जयंती है। उसी में आज हम लोग सभी लोग उनके सम्मान में शहीदों के प्रति संवेदना प्रकट करने और माल्यार्पण करने आए। आज हमारे देश के महापुरुष लौह पुरुष माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने इस रन फॉर यूनिटी के अंतर्गत पूरा सुभाष राय से चलकर और यहां समापन किया सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति जी पे, और आज संकल्प लिया कि जिस तरीका से हमारे देश के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के सानिध्य में इस देश ने तरक्की की है, मैं हमारे सभी नेताओं ने, माननीय हरिओम यादव जी ने और सभी हमारे संयोजक सतीश यादव जी ने और विशाल गुप्ता जी ने, सभी हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने साथ में यहाँ माल्यार्पण किया और इस संकल्प लिया कि हम उनके पदचिह्नों पर चलकर और इस देश में अमन चैन बनाने का काम। आज इस देश के प्रथम गृह मंत्री, हिंदुस्तान के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर के रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया, जिसे हम एकता दौड़ कहते हैं, और आज ये संकल्प लेते हैं कि जो सरदार पटेल जी ने इस देश की एकता के लिए किया, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आजीवन उस भारतीय एकता के मंत्र को जीवन में धारण करते हुए प्रत्येक राष्ट्र के प्रति हम अपना कर्म निर्वाते रहेंगे। भारत माता की जय। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मेरे शिकोहाबाद के क्षेत्र की जनता को कोटि कोटि नमन। आज हमारे नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है, जो हमारे देश के लौह पुरुष कहे जाते हैं, और आज हमारे विधायक जी हरिओम यादव जी ने उनका माल्यार्पण करके उनका मान बढ़ाया और उन्हें याद किया। आज शहीदों को याद किया गया और यहाँ पर भी सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा है उस पर भी माल्यार्पण किया गया।